नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 14 मार्च 2024 और यहां पे 15 मार्च 2024 के लिए फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का दोस्तों एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूं। यहां पे देखेंगे दोनों ही इंडेक्स में कहाँ पॉजिटिव सेंटीमेंट हो रहा है, कहाँ नेगेटिव सेंटीमेंट हो रहा है। चार्ट के हिसाब से लेवल की बात करूँगा। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। अगर आप मेरे इन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले आप बैंक निफ्टी का, ये से छोटा चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट पर यहाँ से देखिए एक अच्छा रिकवरी दिखा। तो मैंने कल आपको बोला था कि अगर ये 300 पॉइंट गिरा तो सकता है 150 पॉइंट कवर भी कर जाए। तो ये बिल्कुल कवर कर गया था और इस तरह से कर गया, लेकिन फिर डाउनफॉल हो गया। इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी ना ऊपर के भाव पे सस्टेन नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी ऊपर के भाव पे रजिस्टेंस ले रहा है, इसको प्रेशर है। और वो कौन सा प्रेशर आ रहा है? 47,200 का। याद आ गया मेरा लेवल? मैंने क्या कौन सा लेवल आपको बताया था? 47,200 वाला लेवल। मैं कितना बार रिपीट करके बोल रहा था कि इसके ऊपर जाने के बाद ही पॉजिटिव होगा। 20 दिन पहले 25 दिन पहले से बोल रहा था। जब उसके ऊपर गया तो पॉजिटिव हुआ, 48,000 के लमसम पहुंचा, उसके ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन वहां से जब वो गिरा है तो देखिए 47,200 को मैंने कल इस वीडियो में बोला था बैंक निफ्टी वाले में कि अगर ये गैप डाउन होकर नीचे से ऊपर जाएगा ना तो 47,200 को ब्रेक नहीं कर पाएगा, वहीं से रिजेक्शन ले लेगा। एक बार क्लेम भले ही कर लेगा लेकिन वहाँ से रिजेक्शन ले लेगा। कल ये बात मैंने बोला था वीडियो में, आप जाके ध्यान से देखिएगा वीडियो तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हिसाब किताब है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अभी भी लेवल वही है, वैलिड है। आपको ये देखना है, देखिए लो प्राइस तो काफ़ी नीचे का है, 46,600 के आसपास का लो है। इसने लो लगाया है 46,550 के आसपास का लो लगा हुआ है। ऊपर हाई 47,225 का देख रहे हैं, आज का हिसाब किताब वही है। हाई ऊपर में उसने लगाया है और अभी क्लोजिंग लगभग डेली के जो चार्ट पर कर रहा है वो देख लेते हैं। डेली के चार्ट पे जो सेटलमेंट क्लोजिंग है वो आपके सामने में भी आ जाएगा। तो उसका प्राइस आ रहा है 46 कितना चलो 46,000 लगता है, 46,790 पे ये क्लोजिंग कर रहा है। कितना पे कर रहा है? 46,790 पे क्लोजिंग कर रहा है, 790 पे। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला बात हो गया। 46,790 कम से कम ये 47,000 के ऊपर भी रहता ना तो मज़ा आ जाता, लेकिन ताकत नहीं दिखा पाया और ये थोड़ा सा निगेटिव है। लेकिन इसके अपोजिट अगर आप बैंक निफ्टी के अपोजिट निफ्टी को देखेंगे तो वो आपको ठीक लगेगा जब उसके एनालिसिस करेंगे तब। तो अब यहाँ से आप देखिए कि किस तरह से एक राउंडिंग टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये टॉप बनाता है तो यहाँ पर आना चाहिए, इस हिसाब से इस एरिया पर आना चाहिए, है ना, यही एरिया पर आना चाहिए और वापस से 46,550 के लेवल को क्लेम करना चाहिए यहाँ वाला, तभी तो ये कंप्लीट होगा पैटर्न। एक कंडीशन तो ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है ये नीचे नहीं आए और ऊपर यहीं से ये बाउंस हो जाए ऊपर। तो देखिए ये जो जोन है ना कंसोलिडेशन वाला, इसके ऊपर खरीदने का कोशिश करेंगे, इसके ऊपर। और इसका प्राइस कितना आ रहा है? इसका प्राइस आता है 46,900, 46,800 के आसपास क्लोजिंग चल रहा है। बाइंग आ रहा है 46,900 के ऊपर, यानी जब तक 46,900 के ऊपर नहीं जाएगा ना तो बाइंग सोचने की भी बात नहीं है। इसके ऊपर जाने के बाद ही बाय साइड में मूवमेंट हो सकता है। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा, पहला टारगेट 47,000, 47,000, दूसरा 47,100 और तीसरा टारगेट 47,200, 47,200 तक का। और 47,200 ये रजिस्टेंस है। देखिए दिन के 2:30 आफ्टर 2:30 PM अगर इसके बाद तक ये 47,225 के ऊपर टिक जाता है तब ये आपको नेक्स्ट टारगेट 47,500 तक लेके जा सकता है। अगर 2:30 बजे के बाद तक इस एरिया के ऊपर टिकेगा तब, नहीं तो ये वापस से यहाँ से गिर जाएगा। क्लियर है? वापस से इसी एरिया से गिर जाएगा। तो 47,200 तक मेरा एक सेफ टारगेट हो सकता है। कॉल ऑप्शन पे ध्यान रखने वाले 46,900 के ही एक स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। 46,900 का ये इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बाय साइड का मूवमेंट। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और इसमें थोड़ी कमजोरी आ गई तो फिर सेलिंग साइड जाएंगे। तो सेलिंग का जो लेवल है आपको सेल करने के लिए अगर देखना होगा तो आपको इस एरिया के नीचे, यानी कि 700 के नीचे, 900 के ऊपर बाइंग और 700 के नीचे सेलिंग, 46,700 के नीचे जाने पर सेल का पोजीशन बनेगा, इस एरिया के नीचे जाने पे। और जो टारगेट है यहाँ पर से 46,600 और 46,500 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग लोएस्ट प्राइस है 46,500। ये सपोर्ट एरिया अभी बना हुआ है, हो सकता है यहाँ से बाउंस कर जाए, लेकिन अगर ये फ्लो में तोड़ गया, अगर ये तोड़ गया तो ये पुराना सपोर्ट एरिया जो 46,300 के आसपास का है वहाँ पर आपको जाता हुआ ये नज़र आ सकता है। 2:30 बजे के बाद तक अगर 46,500 के नीचे रह गया तब तो 46,300 भी मिल जाएगा, 200 भी मिल जाएगा, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में हो सकता है कि यहाँ से ये 46,500 के पास आए और यहाँ से बाउंस कर जाए। अगर ये फ्लो में तोड़ गया तो डायरेक्ट लगा सकता है, तो वो फ्लो वाला मूवमेंट आपको मार्केट में कनेक्ट रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा। पुट ऑप्शन, इस कंडीशन से आपको फिर पुट ऑप्शन पर नज़र रखना चाहिए और पुट ऑप्शन आप 46,000 इस एरिया के नीचे 700 का ही लेके चलना होगा, 46,700 का इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का एक लेवल। और मान लेते हैं कि ऐसा नहीं हुआ और बैंक निफ्टी गैप अप खुल गया तो वापस से, कल भी मैंने इस एरिया के आसपास बोला था कि अगर गैप अप खुलेगा तो क्या करना है। अभी मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर ये गैप अप इसी एरिया पे खुलता है, मान लीजिए गैप अप ये 47,500 पे खुलता है, मान लीजिए ऐसा, ठीक है, तो यहाँ पर तो सेल होगा ही होगा। लेकिन अगर ये 47,200 पर हो गया तब, अगर ये 47,200 तो पुराना रेजिस्टेंस एरिया ना, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा यहाँ और फिर यहाँ, तो अगर यहाँ से खुलता है तो फिर एक बार इससे नीचे आने की कोशिश करेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो पहला कंडीशन में ये, जब तक इसके ऊपर ये आधा घंटा क्लोज ना कर दे तब तक यहाँ से शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ से फर्स्ट अटैम्प्ट में गैप अप खुलने पर ये सेल का ही पोजीशन बनेगा यहाँ पर से। हाँ, दिन के अगर 2-2:30 बजे के बाद अगर 47,200 ऊपर रहेगा तब 47,500 तक आ सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर मान लेते हैं इस लेवल पे खुलता है तो हम लोग सेल साइड जाने की कोशिश करेंगे, सेल ही करेंगे 47,100 से लेके 46,800 के टारगेट के लिए, यहाँ तक के टारगेट के लिए आपको मिल सकता है। पुट ऑप्शन पे आपको नज़र रखना चाहिए और पुट ऑप्शन आप 47,200 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये बात आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कल मैंने ये बात बोला था कि नहीं, कि अगर ये नीचे खुलता है तो एक बार 47,200 को क्लेम करेगा फिर वहीं से गिर जाएगा। ये बात मैंने वीडियो में बोला था, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हुआ गैप अप सिचुएशन। और मान लेते हैं गैप डाउन हो गया, अगर ये नीचे खुलता है, गैप डाउन है ना, अगर ये नीचे खुल गया, गैप डाउन खुल गया तो नीचे खुल गया तो ये बहुत बढ़िया एरिया है 46,300 का। अगर यहाँ पर खुल जाता है गैप डाउन तब तो बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ से एक बहुत ही फास्ट बाय कंडीशन मिल सकता है। इस 46,500 पे खुलेगा तब यहाँ पे खुलेगा तो नहीं, तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करना है, वेट एंड वॉच करना है, ठीक है, क्योंकि 46,500 ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 200 पॉइंट का डिफरेंस आसपास में आता है, 2-250 का। अगर यहाँ पे खुलता है तो हमें देखना है कि इसका फ्लो किस तरफ का, डायरेक्शन नीचे का, तो हम इसके आसपास आने पर बाय करेंगे, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट अगर यहीं पे खुलता है 46,300 के आसपास में तो ज़रूर हम बाय करके चल सकते हैं और टारगेट आपको 46,400 से लेके 46,700 का टारगेट मिल सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप नज़र रख सकते हैं 46,300 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? ये है बैंक निफ्टी का व्यू दोस्तों। इसी के हिसाब से हम लोग ज़रा निफ्टी के भी चार्ट को देखेंगे। तो निफ्टी का चार्ट में देखिए क्या आ रहा है। निफ्टी का चार्ट सबसे पहले हम लोग डेली के साइड में जाएंगे और डेली में देखिए जितना वो क्लोज किया निगेटिव 191 पॉइंट, उतना ही आप यहाँ पे देखिए तो निफ्टी हमारा पॉजिटिव है 150 पॉइंट, यानी दोनों अपोजिट चल रहा है। ये एक्चुअली इसका एक्सपायरी था, निफ्टी का क्या था, एक्सपायरी था, तो ये जो शॉर्ट बने हुए हैं उसको ये कवर किया है, इसीलिए आपको ग्रीन कैंडल नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी तो कल ही हो गया था वीकली, तो उसका आज फ्रेश हुआ, लेकिन इसने तो शॉर्ट कवर किया जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ऊपर गया है। तो आपको ये देखना है कि ये जो रेड कैंडल का लो प्राइस है यही इसका सपोर्ट है, क्योंकि आज का भी लो उसी के आसपास में है, यानी ये दोनों लो आसे पास में है। चलिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। और ये देखिए, ये और जूम कर दे, देखिए आपको दोनों ही लो बिल्कुल पास में नज़र आ रहा है। तो इसी वजह से जब तक इस लो को तोड़ ना दे, मैंने इसे लाइन लगा रखा है 21,800, ये अच्छा सपोर्ट है 21,800, इसके नीचे जाने पे ही ख़राब होगा, अदरवाइज 21,800 से ये बाउंस होता रहेगा। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं ऊपर। अच्छा, ऊपर की तरफ में भी रेजिस्टेंस देखना है, तो रेजिस्टेंस भाई 22,250 है अभी इसका, इसके ऊपर जाने के बाद ही तेज़ी, नहीं तो कुछ नहीं। अब हम आते हैं इंट्राडे चार्ट पर। चलिए तो अब इंट्राडे चार्ट पे क्या करना चाहिए ये देखिए। थोड़ा सा चार्ट को छोटा करके विश्लेषण करेंगे हम लोग। चार्ट छोटा कर लिया, हाँ, तो अब क्या दिख रहा है यहाँ पर चार्ट में देखिए चार्ट में आपको देखना है तो एक लाइन को इस तरह से आपको ऐसे ड्रॉ करना चाहिए, एक ट्रेन लाइन को इस तरह से ऐसे करके ड्रॉ करेंगे ना, एक ट्रेन लाइन यहाँ पे आपको टच करेगा, इस तरह से एक ट्रेन लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो टच करेगा। और यहाँ पर से देखिए ये गया टकराया यहाँ और फिर ये गया यहाँ टकराया, क्लियर। यानी इसी के ऊपर निकलने पर फिर बाइंग साइड का देखना पड़ेगा, है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसके ऊपर जाने पर बाय करने की कोशिश कर सकते हैं, तो आंसर आएगा यस। तो कितना का प्राइस आता है 22,190 पकड़ लीजिए, 22,200 पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाय साइड 22,200 के ऊपर जाने पर 200 के ऊपर जाने पर ही BUY बाय कर सकते हैं। और टारगेट इस कंडीशन में 22,250, ठीक है। और ये 250 जो है ना ये एक रेजिस्टेंस एरिया, अगर इसके ऊपर टिक गया तो फिर आपको 22,300 से लेके 22,350 तक का भी लेवल आपको दिखा सकता है। कॉल ऑप्शन पे आपको नज़र रखना चाहिए, 22,200 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन पे आप नज़र रख सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब बात करता हूँ, ये रिवर्सल हो गया तो देखिए ये एक स्विंग लो है सॉरी मेरी थोड़ा सा गड़बड़। अब ये स्विंग लो जो है, इस स्विंग लो के नीचे ही आपका सेल होगा यहाँ पर, और इसका प्राइस आता है 22,100 और बहुत अच्छा पकड़ेंगे तो 22,075, ठीक है। तो पहला सेल एरिया जो बनेगा आपका, यहाँ पे आपको ये देखना है कि फर्स्ट सेल एरिया जो है 22,100 के नीचे एग्रेसिव ट्रेडर सेफ ट्रेडर 22,075 के नीचे सेलिंग होगा, ये स्विंग लो के नीचे। और यहाँ से ये नीचे की साइड में जा सकता है, जो आज का लो है वहाँ तक वापस ये क्लेम कर सकता है। इसका प्राइस कितना आता है, इसका प्राइस आ गया समझिए आपको 21,900, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं सेल के लिए कि भाई हम 22,100 के नीचे या 22,075 के नीचे सेल करेंगे और इस कंडीशन में जो टारगेट होगा नीचे 22,000 का राउंड नंबर और 21,950 से लेके 21,900 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है 21,850 से लेके 21,800, जब तक निफ्टी इसके नीचे नहीं जाता है, इस दो एरिया के नीचे क्लोजिंग स्टार्ट नहीं करता है तब तक खराबी गड़बड़ी नहीं है, इसके आसपास से बाउंस होता हुआ मिलता रहेगा। फिलहाल 21,900 इसका सपोर्ट बन के आ रहा है। तो यहाँ पे सेल कंडीशन से पुट ऑप्शन पे आपको नज़र रखना चाहिए 22,100 के ही स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। यहाँ तक हो गया निफ्टी में, क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं कि ये भी गैप अप और गैप डाउन होता है, तो देखिए अभी गैप अप और गैप डाउन हो तो भी कोई ऐसे खास नहीं, मार्केट में थोड़ा तो पैनिक है। गैप अप 22,300 ये एक हेवी रजिस्टेंस का काम कर रहा है। मैंने कल भी बताया था 22,350, ये दो एरिया मैंने कल बताए थे कि अगर इस एरिया के आसपास अगर गलती से भी पहुंचता है तो ज़रूर सेल करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन चेन में भी ये डेटा दिखता है रेजिस्टेंस का, तो सेल करेंगे। गैप अप अगर इसके आसपास पहुंच भी जाता है तो भी सेल करेंगे। टारगेट हो जाएगा नीचे 22,250 से लेके 22,200 तक, ख़राब होने की कंडीशन में आएगा 22,150 से लेके 22,100 तक, ठीक है। हालांकि तब 100 नहीं, अगर गैप अप खुलेगा तो 150 पे ही सपोर्ट ले लेगा, ठीक है। 100 नहीं आना चाहिए, आ गया तो ठीक है, सेफ्टी पर्पस रख लीजिए, कोई बात नहीं। पुट ऑप्शन 22,300 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है पुट ऑप्शन, ठीक है। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये पुट ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में, क्लियर। और अब अगर ये गैप डाउन हो गया तो नीचे खुल गया, मान लीजिए नीचे खुल गया गैप डाउन और ये खुल जाए 21,850, बहुत ही शानदार लेवल है ना। हो सकता है ये 21,900 पे खुल जाए तो बाइंग तो यहाँ से भी आ जाएगा, जो कि अभी मैंने बताया कि सपोर्ट एरिया है। और 850 पर खुल जाए तो बहुत अच्छा है, ये भी सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे बाय ही करेंगे। ऊपर टारगेट आप 21,950 से आप 22,000 तक का ले सकते हैं और फिर 22,050 से लेके 22,150 तक की तरफ उम्मीद करके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना होगा इस कंडीशन से, कॉल ऑप्शन आप 21,900 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है निफ्टी का लेवल। अभी देखिए मैंने क्या बोला कि अगर ऑप्शन डेटा देखेंगे ना इसका, तो ऑप्शन डेटा में क्लियर है 14 मार्च हटाइए, अब 21 मार्च लगाइए कि ऊपर के साइड में 22,350 पर अगर आप ध्यान से देखें, 300 और 350 पर यहाँ है 300 और 350। तो यहाँ पर अगर पुट राइटर देखते हैं तो 8 लाख है, सपोर्ट 8 लाख, और अगर कॉल राइटर देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 21 लाख है हमारा कॉल राइटर। इसी तरह 350 पे 1.25 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर लगभग 8 लाख है। तो ज़बरदस्त इस एरिया पे हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है 22,300 से 350 पर। इसी तरह अगर आप सपोर्ट देखें तो 21,850 और 21,800 ये तगड़ा सपोर्ट है। कल भी इसके बारे में बताया था, ये दो एरिया यहाँ पे पुट राइटर ज़बरदस्त है, 18 लाख हमारा और इसके मुकाबले मात्र 1 लाख है इधर, और इधर 21,850 पर देखते हैं तो 6 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 26,000 है। तो ये दोनों तो बहुत तगड़ा सपोर्ट है। 21,900 पे भी सपोर्ट उभर के आ रहा है, यहाँ पे लगभग 13 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 1.5 लाख है। तो यहाँ 10 गुना ज़्यादा है ना, 10 गुना ज़्यादा, तभी तो ऐसा स्थिति आ रहा है। इसलिए नीचे के भाव पे अगर आता है तो एक बार खरीदारी का माहौल बन जाता है दोस्तों, और ऊपर के भाव से रिजेक्शन भी मिल जाता है। तो अभी मार्केट इसी कंडीशन में फंसा हुआ रहेगा, चलता रहेगा। और अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो कमेंट करके मुझे बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।